हाय एवरीवन चलिए अभी हम लोग अपना ऐसे 800 का सीरीज करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग 800, 805 और 810 800, 805, 810 वाला जो स्टैंडर्ड है इन लोगों ने सीए फाइनल न्यू स्कीम में एप्लीकेबल किया है उसको करने जा रहे हैं और ये क्लास मैं लास्ट मिनट रिविजन क्लास आपके लिए स्पेसिफिकली फॉर ट्वेंटी एग्जाम सी फाइनल के लिए बना रहे हो बिकॉज मैं आप लोगों को एक बार क्लैरिफाई कर दू एट की सीरीज रिवाइज की गई है इंस्टीट्यूट के द्वारा तो

राइट बट प्लीज उसके बाद में आप लोग ये रिविजन क्लास देखने के बाद में एंड देन डिटेल स्टडी देल के क्वेश्चन जो आपने किए हुए हैं उसको एक बार और देख जाइएगा आपके एग्जाम के लिए चीजें तैयार हो जाएंगी चलिए सो so, जब हमने स्टार्ट किया एस सी एट हंड्रेड से एक तो एक बार आप हमेशा हाँ ध्यान रखेंगे इसके अंदर आठ सौ आठ सौ पांच आठ सौ दस हमने कैसे इसका निमोनिक बनाया था हमने तीन वर्ड याद किए थे स्पेशल सिंगल समरी स्पेशल सिंगल समरी सो एट हंड्रेड इज फॉर स्पेशल पर्पज फ्रेमवर्क

सिंगल समरी 800 805 810 सौ स्पेशल सिंगल समरी 800 805 810 हमें नंबर तैयार हो जाते हैं ठीक So, special considerations का मतलब क्या ये वाला एस ए जब लगेगा मतलब जब एस ए आठ सौ लगेगा तो क्या बाकी के स्टैंडर्ड नहीं लगेंगे तो नहीं इसका मतलब ये नहीं है बाकी के स्टैंडर्ड भी लगेंगे उसके साथ 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 में बाकी के स्टैंडर्ड्स लगाते वक्त भी आपको यानी अप टू 700 सीरीज के स्टैंडर्ड्स लगाते वक्त भी आपको क्या क्या खास बातें ख्याल रखनी है ये यहाँ पर बता करके चलेगा सो so बेसिकली ऐसे 800 हमें स्पेशल कंसिडरेशन बताता है जब हम किसी ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करने के लिए गए जो मेरे क्लाइंट ने स्पेशल पर्पज फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाए हुए हैं

It is, ये बनाए गए हैं टू मीट दशियल इन्फॉर्मेशन नीड्सिफिकल रिपोर्टिंग के लिए बनाया कि हाँ ठीक है लिस्टेड कंपनीज आपको ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन का ध्यान रखते हुए यहाँ पर आपको फाइलिंग करनी पड़ेगी सो जो भी रेगुलेटर ने बनाए हैं या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन जो किसी कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर बताए गए हैं फॉर एग्जांपल अगर ये कंपनी ने किसी से लोन लिया हुआ है तो क्रेडिटर ने इनको बोला या अगर कोई लीज की बात हुई है तो लेसर ने इनको बोला कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे लिए मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट में प्रोविजन दिए हुए उनके अनुसार बना करके देंगे या यहां पर उन्होंने बनाया फॉर एग्जाम्पल कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर

पढ़ रहे हैं अपने पास में स्पेशल परपज फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाए गए हैं टू तो मीट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट दी हुई है या तो रेगुलेटर के द्वारा या किसी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में डिफाइंड है या फिर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो इसकी एग्जाम्पल्स हो गए आपने कहा कि इसको किसी पार्ट के अंदर बांटा गया है पहली बात तो स्कोप ऑफ एस तो ये इसका स्कोप क्या बताता है आपको स्पेशल कंसिडरेशन क्या क्या रख करके चलनी है नाउ सेकंड थिंग जब हमने कहा ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या है तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर के अंदर तीन चीजें मेन आ रही हैं आप क्या-क्या स्पेशल कंसीडरेशंस रखोगे जब आप इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करोगे अगर मान लो रिलायंस ने अपने दो सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए वन इज जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसने बनाए स्पेसिफिकली कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को ध्यान में रखते हुए जहां से उन्होंने लोन्स लिए हुए हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट आउट करने के लिए तो आपको यह देखना पड़ेगा कि आप वो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के अनुसार बनाए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसके ऑडिट को एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं Second thing, अगर आपने accept कर लिया, तो आपको क्या special considerations लगानी पड़ेंगी के के लिए, planning के पर और इस काम को परफॉर्म करते वक्त पर, लास्ट थिंग आपको क्या स्पेशल कंसिडरेशन लगानी पड़ेंगी जब आप इन स्पेशल परपज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एक्सप्रेस करेंगे अपनी ओपिनियन एक रिपोर्ट बनाकर के तो ऐसे 800 में रिपोर्टिंग का फॉर्मेट भी दिया हुआ होगा नाउ हमें जब ये तीन तीन चीजें, स्टेजेस प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग के टाइम पर स्पेशल कंसिड्रेशन लगानी है या गया थर्ड जो हमें ओपिनियन है रिपोर्टिंग के टाइम पर लगानी है सो so, सबसे पहले मुझे एग्जाम के अंदर ये बात ढूंढ करके चलनी है पहला पॉइंट क्या जो क्वेश्चन उसने पूछा है वो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के अनुसार बनाए गए पूरे फुल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट का मुझसे पूछा है अगर पूछा है तो वो 800 में आएगा दूसरी बात उसने जो क्वेश्चन पूछा है वो एक्सेप्टेंस आप करोगे या नहीं करोगे इस पर पूछा है या उसने आप प्लानिंग या परफॉर्मिंग कैसे करोगे इस पर पूछा है या वो जो उसने क्वेश्चन या केस स्टडी बनाया है वो ओपिनियन से रिलेटेड बनाया है इस चीज को हम हमेशा ध्यान रखेंगे ना जब हमने कहा ऑडिट ऑफ स्पेशल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो तो एक तो आपको अंडरस्टैंडिंग ऑप्टेन करनी है ये चीजों के बारे में एक तो पर्पज क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए हैं कौन इंटेंडेड यूजर्स हैं? तो फॉर एग्जाम्पल अगर इंटेंडेड यूजर्स हैं उनके क्रेडिटर्स यानी बैंकर्स जिन्होंने इस कंपनी को लोन दिया था तो क्या पर्पज है उनका उनका पर्पज है वो कंपनी की लिक्विडिटी सिचुएशन को देखना चाह रहे हैं एंड स्टेप्स टेकन बाय द मैनेजमेंट टू डिटरमाइन एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं तो फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने बोला है कि आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर ये आ, बेस करके स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाइएगा तो क्या मैनेजमेंट ने कैश बेसिस द्वारा यूज करने वाले हैं और क्या मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस लगाए हैं जो एफआरएफ लगाया है वो इस सिचुएशन में एक्सेप्टेबल है मतलब अगर क्रेडिटर्स ने बोला था तो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगाया है या नहीं नाउ, आई एम टेलिंग यू कुछ भी आ सकता है, बट दिस दिस इज मोस्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड। आप क्या कंसिडरेशन रखेंगे जब आप प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग करेंगे इस ऑडिट को तो प्लान एंड परफॉर्म करते वक्त, जो मेरे पास में मेन रिक्वायरमेंट आएगी वो मेरे पास में एक तो मेरे को इस पर्टिकुलर को यू नो एक्सप्लेन करना पड़ेगा जब मैं एस सी टू हंड्रेड के हिसाब से बात करूंगी एक मेरे को यहां पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा एस से तीन सो बीस की बात और एक एस सी टू सिक्सटी की बात तो मैं भी डिटेल नोट्स में से भी करा रही हूं पहली बात आपको डिटरमाइन करना है कि एप्लीकेशन ऑफ एस सी रिक्वायर्स स्पेशल कंसिडरेशन इन द सर्कम्स फॉर एग्जाम्पल जब हम एस सी टू हंड्रेड की बात करते हैं तो टू हंड्रेड कहता है आपको कंप्लाई करना है सारी एथिकल रिक्वायरमेंट से आपको इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी इंडिपेंडेंस का ध्यान रखना है प्रोफेशनल बिहेवियर रखना है प्रोफेशनल स्किल एंड केयर से आपको काम करना है ड्यू केयर से काम करना है कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है तो क्या आप यहां पर भी इंडिपेंडेंट हो पाओगे आपको सारे रेलिवेंट एसएज लगाने होते हैं प्लस जब हम ऐसे 320 की बात करते हैं तो 320 हमको कहता है कि मटेरियलिटी हमें डिसाइड करनी पड़ेगी मटेरियलिटी कंसीडरेशंस देखनी पड़ेंगी अब यहां पे जो मटेरियलिटी के है वो इंटेंडेड यूजर्स के लिए देखनी पड़ेंगी तो अगर इंटेंडेड यूजर लिक्विडिटी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो आपको भी ये देखना पड़ेगा कि क्या मिटीरियालिटी लेवल्स रखे जाए उनके हिसाब से और ऐसे टू सिक्स जो हमको कहते हैं इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा इसको मैं अभी आपको नोट से एक बार प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट जब आप करने के लिए जा रहे हो एक स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट ये आने के बहुत चांसेस होते हैं एग्जाम्स में आपको ऑप्टेन करनी है एक अंडरस्टैंडिंग एंटिटी ने कैसे अकाउंटिंग पॉलिसीज को यूज किया है बिकॉज अगर वो कैश बेसिस पे एक स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स उन्होंने दूसरे लगाए हुए होंगे तो हमने क्या बोला मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं एक तो मेरे को इससे 200 की बात ध्यान रखनी पड़ेगी 320 वाली बात ध्यान रखनी पड़ेगी 260 वाली तो ये तीन चीजें जाएंगी मेरे को अंडरस्टैंडिंग ऑप्टेन करनी पड़ेगी नाउ जस्ट वन मिनट ओके प्लीज बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट मेको इसको एक बार नोट से भी कराना पड़ेगा तो एक तो आपने डिटरमाइन किया अगर उसने कहा कि आप प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट के टाइम पर क्या चीज लगा करके चलेंगे 800 का जब आप काम करने जाएंगे तो एक तो हमने कहा हमें देखना है कि एप्लीकेशन सारे एस ए के रिक्वायर्ड है जो जो रेलिवेंट एस एज है वो लगाने होंगे हमको अंडरस्टैंडिंग ऑप्टेन करनी होगी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स करने होंगे एज एप्लीकेबल नाउ हम जब प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग का ऑडिट करते हैं तो स्पेशल कंसेंट्रेशन क्या है एस ए के हिसाब एथिकल रिक्वायरमेंट जो कोड ऑफ एथिक्स के अंदर आईसीएआई ने बताई है वो लगानी होंगी हम जब स्पेशल स्टेटमेंट्स का ऑडिट भी करने जाएंगे तो भी हमें इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा प्लस हमें ऑल तो लगाने ही लगाने ही हैं बट अगर कोई रेलिवेंट नहीं है उस पर्टिकुलर केस में तो वो हम नहीं लगाएंगे और ये मेरा आंसर ये तीन स्टैंडर्ड्स के अराउंड बन जाएगा अगर ये उस, उन लोगों ने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के अंदर पूछा नाउ एक तो आप ये कहते हो कि अगर हम स्पेशल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करने के लिए गए तो हमें कुछ स्पेशल रखनी पड़ेगी फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल जब हम 320 में जजमेंट लगाते हैं मेटेरियलिटी के बारे में तो 320 के अंदर हम कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स देख करके चलते हैं बहुत सारे यूजर्स का क्योंकि जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत सारे यूजर्स के लिए बनाए जाते हैं बट जब हम 800 लगा रहे हैं तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर मुझे कंसिडर करना पड़ेगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ इंटेंडेड यूज़र। सो फॉर एग्जाम्पल अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर स्पेसिफिकली फॉर द क्रेडिटर्स तो आपको क्रेडिटर्स के लिहाज से मेटीरियालिटी को डिसाइड करना पड़ेगा और हो सकता है कि मैनेजमेंट ने कुछ एग्रीमेंट किया हुआ हो कि ठीक है इस पर्टिकुलर अमाउंट से नीचे के मिस स्टेटमेंट रेलिवेंट नहीं है बट आपको अपने हिसाब से सोच करके चलना है कि आप मेटेरियालिटी के लिए किस तरह के रिक्वायरमेंट्स लगाकर चलेंगे एंड जब हम इससे 260 की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन टी से हमें करना होता है That is based on the relationship. क्योंकि TCWG वो general purpose financial statements को approve and all करते हैं। But but ये जरूरी नहीं है special purpose financial statements के case में। हो सकता है TCWG की responsibility नहीं हो financial statements को approve and all करने की। तो इसका मतलब special purpose financial statements के audit के case में ऐसे 260 हो सकता है, 260 हो सकता है relevant ना होने पाए। अब इसके अपने लॉजिक सारे डिटेल में कर रहे हैं, सो प्लीज अब इस मोमेंट पे एक बात हमें ध्यान रखनी है अगर उसने प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग पे पूछा विच इज इंपॉर्टेंट देन आपके लिए एक 200 के अराउंड एक 320 के अराउंड और एक 260 के अराउंड टीसीडब्ल्यूजी को हमेशा कम्युनिकेट करना रेलिवेंट नहीं होगा ये वाली बात आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगी नाउ अगेन कमिंग टू ही कमिंग हियर सो बेसिकली आपका ये यहां हाँ से क्लियर हो गया नाउ जब हमने कहा फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग कंसिडरेशन सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट जब हम ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं और रिपोर्ट कर रहे हैं स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे तो एक तो हमको 700 वाली कंसिडरेशन तो लगानी ही लगानी है 700 वाली जो है वो इरेलीवेंट नहीं हो जाती है बिकॉज ये ऐसे केवल स्पेशल कंसिडरेशन बता रहा है आपको 700 तक की सीरीज एज फार एज एप्लीकेबल वो तो लगानी ही लगानी है

के हिसाब से बनाए गए हैं फॉर इंटेंडेड यूजर्स जो क्रेडिटर है उसके लिए अगर मैनेजमेंट के पास चॉइस है एफआरएफ की मैनेजमेंट दो तरह के एफआरएफ यूज करके ये बना सकता था स्पेशल परपस तो आपको देखना है जो एफआरएफ मैनेजमेंट ने चूज किया है वो सही किया है या नहीं किया है और उन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस बात को लिखा है या नहीं नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग आकर जो है ये स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आप ऑडिट करने के लिए जा रहे हो तो ये स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स स्पेसिफिक यूजर के लिए हैं ये किसी और यूजर के लिए नहीं है तो आपको अपनी रिपोर्ट के अंदर अलर्ट करना होगा यूजर को कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसका मैंने ऑडिट किया है दीज है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क एंड इसलिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट दूसरे किसी पर्पज के लिए यूज नहीं किए जा सकते तो ये वाले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ये कोई न्यूज में नहीं छापे जा रहे हैं ये किसी पर्टिकुलर यूजर के लिए हैं।

फ्रेमवर्क के हिसाब से जो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए गए उसका ऑडिट करने के लिए जब आप गए हो तो आप यूजर को कैसे अलर्ट करोगे इसका ड्राफ्ट बनाइए आपके स्टडी मटेरियल का न्यूज की स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन तो आपके पास में ये ड्राफ्टिंग हो जाएगी थियरी में आया तो थ्योरी हम कर चुके हैं विदाउट मॉडिफाइंग आर ओपिनियन हम कोई अपनी ओपिनियन मॉडिफाई नहीं ड्रॉ अटेंशन टू नोट नंबर ऑफ अकाउंटिंग बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉर एग्जाम्पल अगर कैश बेसिस है कॉन्ट्रैक्ट यानी किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए बनाए गए हैं और इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नॉट बी सुटेबल फॉर एनअर पर्पज आर रिपोर्ट इज इंटेंडेड सोली फॉर दिस कंपनी एंड जिसके साथ उनका कंट्रेक्ट हुआ हुआ है उन लोगों के लिए एंड इट शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड बद

मुझे पता है मैं इस पर थोड़ा टाइम लगा रही हूँ बट दिस इज इंपॉर्टेंट यू नो दिस इज न्यू लाइक टाइप्स का टॉपिक सो न्यू सो कम्पेरिटिवली स्पेशल स्पेशल के के लिए स्कोप स्कोप बाद में आपने कहा एक्सेप्टेंस प्लानिंग एंड फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग के टाइम एक्सेप्टेंस के टाइम पर आपने इंटेंडेड यूजर और स्टेप्स टेकन बाय मैनेजमेंट के जो एफर है वो लगा रहे हैं वो सही है या नहीं है फिर आपने प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग सो प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग में आपने अपना जो आंसर प्रिपेयर किया वो तीन स्टैंडर्ड्स अराउंड स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन क्या रखेंगे टू हंड्रेड के अराउंड तीन सौ बीस के अंदर जहां थ्रेशोल्ड की बात आई वो और दो सौ साठ हर केस के अंदर स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए हो सकता है रेलिवेंट नहीं हो एंड फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग कॉन्सिडरेशन के अंदर आपने बोल दिया कि आपको ये बात देखनी है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एप्लीकेबल फ्रेमवर्क दिया हुआ है पर्पज इंटेंडेड यूजर नोट्स के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं मैनेजमेंट के पास चॉइस है तो उन्होंने कैसे उसको चूज किया है जो एफ उन्होंने सेलेक्ट किया है और आपको ये वाली बात यूजर्स को अलर्ट कर देनी है तो अगर उसने कहा कि आप उनको कैसे अलर्ट करते हैं अगर आई तो डिस्क्रिप्शन में ये बट जैसा आपको स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन दिया अगर उन्होंने ड्राफ्ट की बात कही तो जब जो अभी हम लोगों ने येलो पोर्शन में किया है वो और एक क्वेश्चन आप इसकी एग्जांपल्स बताइए तो आपने एग्जांपल्स बता दिए राइट आई होप दैट इज ओके डन चलिए आप रुकना चाहते तो रुक सकते हैं अदरवाइज नेक्स्ट की तरफ बढ़ सकता है रुकना चाहते हैं रुक के यहीं पे अपने नोट्स एक बार और पढ़ लीजिए चलिए जब हमने नेक्स्ट वाला स्टैंडर्ड किया एस से आठ सो पांच आठ भी हमें स्पेशल कंसिडरेशन बताता है नाउ स्पेशल कंसिडरेशन का मतलब क्या जब हम एस से आठ लगाएंगे क्या हम बाकी के सात की सीरीज तक के स्टैंडर्ड लगाएंगे या नहीं तो ये वो लगाएंगे ये हमें केवल उसमें स्पेशल कंसिडरेशन बताएगा वही बेसिकली तीन स्टेजेस के ऊपर बताएगा एक तो जब हम एक्सेप्ट करें तब क्या करेंगे एक जब हम प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग करें तब क्या करेंगे और एक ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग के टाइम क्या करेंगे तो ये भी हमको इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये तीन स्टेजेस के अंदर बांट कर चलेगा आपने कहा स्पेशल कंसिडरेशन जब आप ऑडिट करने के लिए गए तो या तो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या स्पेसिफिक एलिमेंट्स अकाउंट्स और आइटम्स ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर एग्जांपल जब एक क्लाइंट ने आपको अपॉइंट किया सिर्फ और सिर्फ उनका कैश फ्लो स्टेटमेंट को ऑडिट करने के लिए तो आप एक सिंगल फाइनेंशियल होता है सात सौ तक की सीरीज के लिए तो आप पूरे के पूरे कंप्लीट होल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करते हो बट 805 में या तो आप सिर्फ एक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करने जा रहे हो या कोई एलिमेंट like, इन्वेंट्री uh, you know, को एग्जामिन करने एसपेशल कंसिडरेशन तो बताएगा यानी ये भी अपने आप में कम्प्लीट नहीं है ये ऐसे हमें बताएगा कि पुराने वाले सात सौ के सीरीज तक के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको अप्लाई करते आपको और क्या खास बातों को ख्याल रखना है नाउ प्लस आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका ऑब्जेक्टिव ये तीन स्टेज के ऊपर है एक्सेप्टेंस करते वक्त प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग करते वक्त और ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग करते वक्त आपको क्या बातों को खास ख्याल रखना है नाउ जब हमने कहा कि इसके हमें कुछ एग्जाम्पल्स करने पड़ेंगे तो एग्जांपल्स हमारे पास में क्या आ गए देखो एक तो एग्जाम्पल आ गया सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एग्जाम्पल जब क्लाइंट ने आपको बोला कि आप प्लीज सिर्फ मेरे कैश फ्लो स्टेटमेंट को ऑडिट कर दीजिए तो अगर आप सिर्फ उनके कैश फ्लो स्टेटमेंट को ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं सो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑडिट ऐसे 805 से गाइड होगा एलिमेंट अकाउंट या आइटम क्लाइंट ने आपको बोला सर आप मेरे अकाउंट रिसीवेबल स्टेटमेंट को ऑडिट कर दीजिए या अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट रिसीवेबल जो मैंने बनाया आप उसको एग्जामिन कर दीजिए उसके ऊपर आप ऑडिट रिपोर्ट दे दीजिए या आप मेरे इन्वेंट्री का जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर तो बेसिकली जैसे स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट होगा आप इन्वेंट्री के स्टेटमेंट के ऊपर आप अपना ऑडिट रिपोर्ट दे दीजिए बट प्लीज माइंड इट इन्वेंट्री प्लस ऑडिट वर्ड ऑडिट होना जरूरी है ठीक है ये कोई रिव्यू वगैरह नहीं हो रहा है ऑडिट हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर सिंगल यू नो या तो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यानी पूरे स्टेटमेंट्स का एक हिस्सा जैसे कि कैश फ्लो या ये आइटम या जो नेट टेंजिबल सेट का मैंने एक स्टेटमेंट बनाया उसको कर दीजिए और इसके अंदर नोट्स टू अकाउंट जरूरी तौर पर आएंगे मतलब अगर क्लाइंट ने एक स्टेटमेंट बनाया है अकाउंट्स रिसीवेबल का तो अकाउंट्स रिसीवेबल इंक्लूडिंग रिलेटेड नोट्स रिलेटेड नोट शैल ऑलवेज form पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम राइट तो अगर स्पेसिफिक एलिमेंट का आप ऑडिट करने के लिए जा रहे हो तो उसमें उस स्पेसिफिक एलिमेंट से रिलेटेड नोट्स का होना जरूर शामिल होना जरूरी है आई होप दिस मच इज ओके तो एक बार ध्यान रखना वो लोग ये एग्जांपल्स भी पूछ सकते हैं आपसे राइट दिस इज स्पेसिफिकली कवर्ड इन योर स्टडी मटीरियल एज वेल नाउ आपने कहा हम जब कंसिडरेशन लगाएंगे वेन एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट तो अगर मेरा क्लाइंट मेरे पास में काम लेकर के आया उसने मुझसे कहा सर आप प्लीज इस चीज का ऑडिट कर दीजिए या तो उसने कहा सिर्फ कैश फ्लो का ऑडिट कर दीजिए या उसने कहा मेरे सिर्फ नेटवर्थ स्टेटमेंट का ऑडिट कर दीजिए या सिर्फ इन्वेंट्रीज का ऑडिट कर दीजिए हाँ रिलेटेड टू अकाउंट उसका एक हिस्सा है तो मैं कैसे ये काम एक्सेप्ट करने का सोचू या ना सोचू तो आप, अगर उन्होंने ये काम दिया से, example, company Chartered Accountants को, और company नहीं करती है क्या ये आप कर भी सकते हो या नहीं फॉर एग्जाम्पल अब ध्यान से सुनना अगर पी क्यू आर एंड कंपनी ने उनके होल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट सात सौ तक सीरीज के, के हिसाब से नहीं किया है तो पी क्यू आर एंड कंपनी को उन लोगों के बारे में अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है उन लोगों से रेगुलर बेसिस पे बात भी नहीं हो रही है एंड ऑल और अब वो पर्टिकुलर क्लाइंट आ रहा है वो कहता है सर मेरे होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट तो कोई और ही कर रहा है पर आप सिर्फ इन्वेंट्री का जो स्टेटमेंट मैंने बनाया है सिर्फ आप उसका ऑडिट कर दीजिए तो आपको इतना एफर्ट लगाना पड़ेगा सिर्फ इन्वेंट्री को ही चेक करने में तो आप देखिए क्या आपके लिए प्रैक्टिकेबल है या नहीं सो so, सिंपल सी बात जनरली जो पर्टिकुलर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म या प्रैक्टिस यूनिट ने उनके होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया होगा अपटू सात सौ तक की सीरीज के हिसाब से वही लोग उनके सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एक स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑडिट ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे अगर उनके होल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कोई और कर रहा है तो आप सोचिए कि कि आप उनके सिर्फ इस एलिमेंट को चेक कर कर पाएंगे पाएंगे या नहीं प्लस आपको एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एफआरएफ देखना है कि अगर उन्होंने इन्वेंट्री का स्टेटमेंट बनाया है तो वो इन्वेंट्री का जो या जो उन्होंने स्टॉक स्टेटमेंट बनाया जिसको वो आपसे ऑडिट कराना चाहते हैं क्या उन्होंने वो जिस तरह से इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होना चाहिए जैसे स्टॉक स्टेटमेंट बनना चाहिए वैसे बनाया है या नहीं बनाया है नाउ आपको एक बात ये भी देखनी है कि जैसे उन्होंने अप्लाई किए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को मतलब अगर इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री के लिए जो उन्होंने पॉलिसीज वगैरह लगाई हैं जिस हिसाब से उन्होंने उनकी कैलकुलेशन की हैं क्या उसका प्रेजेंटेशन और डिस्कलोजर सही तरह से किया है या नहीं बिकॉज हो सकता है वो जो इन्वेंट्री का स्टेटमेंट है वो लोग कैश क्रेडिट्स जो उन्होंने अवेल किया उसके अगेंस्ट बैंकर को सबमिट करें फॉर एग्जाम्पल और आपको कंसिडर करना है फॉर्म ऑफ ओपिनियन सही लग रहा या नहीं, appropriate है या या नहीं नहीं है में सो so रिमेंबर जब हम ऐसे 210 करते हैं तो 210 में भी हम देखते हैं एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एफ आर एफ को भी कंसिडर करते हैं प्लस हम एफ आर एफ सही लग रहा है नहीं ये भी कंसिडर करते हैं और फॉर्म ऑफ ओपिनियन भी कंसिडर करते हैं तो आठ सौ पांच के अंदर भी फॉर्म ऑफ ओपिनियन को आप कंसिडर करेंगे राइट नाउ कंसिडरेशन वेन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट तो प्लीज देख लेना वो प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग के चल रहे हैं क्यों क्योंकि आपको सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस इस पर्टिकुलर पर्प के लिए ऑप्टेन करने होंगे तो अगर मान लो उन लोगों ने आपको इन्वेंट्री स्टेटमेंट को

राइट right? नाउ एक तो आपको ऐसे सात सौ के हिसाब से रिपोर्ट बनानी है जैसे जैसे यहां पर एप्लीकेबल है अगर यही ऑडिटर ऑल्सो ऑल्सो का मतलब उसी ने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी ऑडिट किया है और वही

हो रहा है टुगेदर मतलब एंटिटी के होल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट रिपोर्ट भी पब्लिश हो रही है और साथ साथ में ये जो उन्होंने किसी पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर मान लो अकाउंट्स रिसीवेबल को आपने ऑडिट किया है तो उनको साथ में पब्लिश किया जा रहा है तो आपको देखना है कि उसका उसको जो पब्लिश किया जा रहा है वो ऐसे पब्लिश किया जाए कि दोनों अलग अलग रिपोर्ट्स नजर आए अलग अलग तरह से नजर आए डिफ्रेंसिएशन नाउ, अगर आपने कहा इफ ओपिनियन इन ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन एंटिटीज कंप्लीट सेट कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वही ७०० तक के हिसाब से जो हमने पूरे का किया हुआ है अगर वो मॉडिफाइड है यानी उसमें क्वालिफाइड एडर्स डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है या इम एम या अदर मैटर है तो आपको उसका इफेक्ट देखना पड़ेगा जब आप सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या किसी स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑडिट करने के लिए जा रहे हो यानी जब आप इस आठ के हिसाब से ऑडिट करने के लिए जा रहे हो सो फॉर एक्साम्पल मैं छोटा छोटा इधर में लिख दे रही हूँ कि अगर मान लो आप लोगों ने एक उनके कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट किया था और कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मान लो मान लो मान लो उनके डेटर्स को आपने क्वालिफाइड किया है मतलब जिनो you know, जो बेसिस क्वालिफाइड ओपिनियन है उसमें डेटर्स की वजह से हुआ हुआ है तो जब आप अकाउंट्स रिसीवेबल को ऑडिट करने के लिए जा रहे हो 805 के हिसाब से तो वहां पर भी आप देखो अगर सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डेटर डेटर में गड़बड़ थी इस वजह गड़बड़ती है क्वालिफाइड ओपिनियन गई है तो जब आप अकाउंट्स रिसीवेबल को ऑडिट करने के लिए जा रहे हो इस स्पेसिफिक एलिमेंट को ऑडिट करने के लिए जा रहे हो तो इसका मतलब उसमें तो गड़बड़ है ही है उसका इफेक्ट इसके रिपोर्ट पर भी पड़ेगा ही पड़ेगा तो आपको ये बात देख करके और चलनी है ना अब ये कहता है अगर आपने कॉन्क्लूड किया एडवर्स या disclaimer, तो ये adverse और वाली बात को exactly यहां पे ज़्यादा करके लिखा हुआ है so मैं यहीं से आपको करा रहे हूं। ये वाले पॉइंट्स जो हैं दोनों आपके पास एक ये वाला आ जाएगा और एक ये वाला आ जाएगा इफ ऑडिटर था एडवर्स गए क्योंकि मैटर परवेसिव था डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन गया क्योंकि मामला परवेसिव था ऑन एंटिटीज कंप्लीट कंप्लीट सेट सेट ऑफ ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसके अंदर पी एंड एल बैलेंस शीट कैश फ्लो नोट्स नोट अकाउंट सब गए हैं देन ऑडिटर कैन एक्सप्रेस अनमोडिफाइड ओपिनियन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेपरेट ऑडिट ऑफ देखो स्पेसिफिक एलिमेंट लिखा है इंक्लूडेड इन दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस मतलब क्या हुआ से फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो उसने एडवर्स ओपिनियन दी थी एडवर्स ओपिनियन होल के ऊपर उसने दिया था और इस वजह से दिया था क्योंकि उनके यहाँ पर रिवेन्यू के अंदर बहुत सारी गड़बड़े किए हुए थे बट इन्वेंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं थी रेवेन्यू रिकॉग्निशन के प्रिंसिपल्स बहुत सारे गलत थे बट इन्वेंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो अब जब आप एक सिंगल आइटम को ऑडिट करने के लिए गए फॉर एग्जांपल जब आप खाली इन्वेंट्री को ऑडिट करने के लिए गए हो 805 के अंदर तो आपको लग रहा है इन्वेंट्री की जो सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट आप दे रहे हो उसके ऊपर तो अनमोडिफाइड जा सकता है

अगर मिस स्टेटमेंट से अगर पता नहीं चला तो ओपिनियन गया था डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन तो क्या आप एक स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर जब ऑडिट करने के लिए जा रहे हो उसका जब आप ऑडिट करने जा रहे हो आठ सौ पांच में तो क्या आप उस पर फिर भी फिर भी अनमोडिफाइड ओपिनियन दे सकते हो दे सकते हो प्रोवाइडेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पहली बात इट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाई लॉ रेगुलेशन राइट जो एंटीटी का गवर्निंग लॉ है अगर कंपनीज एक्ट है तो उसके अंदर ये बात मना नहीं है कि आप ऐसा ये नहीं कहा गया है कि आप स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर अनमोडिफाइड नहीं दे सकते ओपिनियन ओपिनियन इज इन ऑडिटर्स रिपोर्ट और दोनों रिपोर्ट नॉट पब्लिश टूगेदर दोनों रिपोर्ट साथ में पब्लिश नहीं हुई हैं एंड स्पेसिफिक एलिमेंट नहीं है मेजर पोर्शन ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हो सकता है इन्वेंटरी मेजर है ही नहीं सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर इज अब एक बार ध्यान लगा करके सुनो अगर एंटिटी के कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर जो ओपिनियन गई है वो परवेसिवनेस की वजह से एडवर्स या डिस्क्लेमर गई है और हमें 805 में एक स्पेसिफिक एक स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑडिट करने को बोला है तो क्या हम उस स्पेसिफिक एलिमेंट में अगर कुछ गड़बड़ नहीं है तो क्या हम उस स्पेसिफिक एलिमेंट पे अनमोडिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं जब हम उसका सेपरेट ऑडिट करने जा रहे हैं दे सकते हैं प्रोवाइडेड ये तीन कंडीशन बिल्कुल अच्छे से तैयार करके जाने हैं राइट प्रोवाइडेड एल प्रोवाइडेड ना तो इसको देखो तो ना कंडीशन ये नॉट वाली है ना तो इस बात को लॉ ने प्रोहिबिट किया है ना ये दोनों ऑडिट रिपोर्ट्स कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट रिपोर्ट एंड ये जो स्पेसिफिक एलिमेंट की ऑडिट रिपोर्ट है ये ना तो ये दोनों साथ में पब्लिश हुई है और ये जो एलिमेंट है ये नहीं है मेजर प्रोपोर्शन ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आप तो आप उस स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर अपनी अन ओपिनियन भी दे सकते हो सो वन मैटर इज दिस नाउ वेन वी कम टू एन मैटर बट ऑडिटर शैल नॉट एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन अ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट चलिए अब आपका अपॉइंटमेंट हुआ था से फॉर एग्जाम्पल कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बट सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरे कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक मेजर पोर्शन है राइट right? देखो आइटम तो हो सकता है बहुत छोटा रहा हो बट अगर एक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो वो तो मेजर पोर्शन है तो अगर 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 एडवर्स या डिस्क्लेमर गई हुई थी कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर और आप 805 में उस कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के किसी एक, किसी एक एक स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस करने जा रहे हो तो वो अनिफाइड नहीं हो सकती बिकॉज दैट इज अ मेजर पोर्शन सकते राइट सो प्लीज ये दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं फिर से एक बात आपको बोल के चल रहा हूं अगर उसने स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर पूछा तो ये और ये वाली कंडीशन अगर उसने सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर पूछा तब फिर ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है अब आप बताइए आई होप आपके पास मेन मेन पोर्शन इसका सारा का सारा जो मेन मेन पोर्शन है वो कवर हो गया है नाउ लिसन क्या फुली देखिए जब हमने ये वाला कहा तो एक तो मैं आपको ना मेन मेन चीजें एक बार नोट से जस्ट फटाफट से इसको रिकैप करा रही हो एक तो एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एलिमेंट्स का मतलब क्या है ये आपको क्लियर करके चलना है एक अगर एलिमेंट होगा तो उसके अंदर रिलेटेड नोट्स भी जाएंगे ये वाली बात और तीन स्टेजेस की ये बात कर रहे हैं दिस थिंग नाउ जब हमने कहा कि एप्लीकेशन ऑफ एसेज तो एप्लीकेशन ऑफ एसेज के अंदर दोस्तों के कहता है वही वाली बात आ गई कि ऑल एसेज लगाने तो रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट इंडिपेंडेंस पॉलिसीज रेलिवेंट ये तो लगाने ही लगाने पड़ेंगे बट अगर आप नहीं करने जा रहे हो उनका कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या क्या, क्या आप उस पर्टिकुलर सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का या स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑडिट कर भी सकते हो या नहीं क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग का लेवल तब उतना ज्यादा नहीं होगा क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग का लेवल उतना ज्यादा उस केस में नहीं होगा आपने उनके कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट नहीं किया है प्लस आपको एविडेंसेस ऑप्टेन करने पड़ेंगे तो कई बार क्या होता है हमें डिसप्रोपोर्शनेट काम करना पड़ जाता है फॉर एग्जाम्पल ऑल तो पांच सौ सत्तर की रिक्वायरमेंट कंप्लीट स्टिल अगर मैं सत्तर वाली सारी चीजें लगाने चलूंगी अगर मैं सिर्फ अकाउंट्स रिसीवेबल के स्टेटमेंट को ऑडिट करने जा रही हूं तो उतना शायद प्रैक्टिकेबल नहीं रह पाएगा तो ये चीज मुझे देखनी पड़ेगी एक्सेप्टेबिलिटी में हमने दो जैसी चीजें हमको एक्सेप्टेबिलिटी देखनी है प्लस हमें ये भी देखना है कि एफ आर एफ जो एक्सेप्टेबल है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इन्वेंट्री वाला है तो उन्होंने इन्वेंट्री के लिए अगर इनडीएस लगाना था तो वो लगाया है या नहीं लगाया है एंड फॉर्म ऑफ ओपिनियन एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ ओपिनियन देखनी पड़ेगी कि वो सही लग रही है या नहीं लग रही है प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस एक सेकेंड के लिए

पर आप एक एलिमेंट को ऑडिट करने के लिए गए हो तो आप उस एलिमेंट पे एक अनमोडिड ओपिनियन दे सकते हो प्रोवाइडेड इट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ इट इज नॉट दोनों की रिपोर्ट्स को पब्लिश साथ में नहीं किया गया एंड वो स्पेसिफिक एलिमेंट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट मेजर प्रोपोर्शन राइट बट आप अनमोडिफाइड ओपिनियन एक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर नहीं दीजिएगा अगर आपके पास में टाइम है तो आप एक बार इसको और पढ़ सकते हैं नई टाइम है कोई दिक्कत की बात नहीं है या आप कर चुके हो एक्चुअली राइट सो so आप सीधा सीधा अपने नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर आ सकते हैं ना अब जब इसके बाद में हम आए ऐसे आठ सौ दस तो एक बात हमें ख्याल रखनी है देखिए पहली बात 810 अपने आप में कंप्लीट स्टैंडर्ड है मतलब 800 और 805 में तो हमको रेलिवेंट एसेज भी उठाने पड़ते थे बट 810 में जो बातें दी हुई हैं वो 810 के अंदर ही लिखी हुई हैं जब हम रिपोर्ट देने के लिए गए हैं और ऑडिट हमने किया हुआ है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एस एस का तो पहली बात तो हम एस एफ एस का ऑडिट अब करते हैं जब क्लाइंट के ऑडिटेड फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेटमेंट जिसका होल सेट ऑफ है उसका भी ऑडिट हमने किया हुआ होता है बेसिकली मतलब एस एफ एस कहा से डराइव हो रहा है ए एफ एस से डराइव हो रहा है एंड प्लीज माइंडेड मैं अभी बोल रही हूँ इसका जो हमें जिक्र मिलता है वो हमें अंडर सेक्शन वन थर्टी सिक्स ऑफ कंपनीज एक्ट मिलता है हम चाहे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोले याद रखना एग्जाम के टाइम पर वो किसी भी भाषा में पूछ सकता है आपसे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं चाहे हम समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने के लिए गए ये बोले चाहे हम एवरेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने के लिए गए ये बोले चाहे हम कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो छोटे कर दिए गए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें केवल मेजर मेजर यू नो हेडिंग्स एंड ऑल आ रहे हैं हम उसको ऑडिट करने के लिए गए ये बात बोले समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला तो तो वैसे ही आपको याद आ जाएगा तो जब हम सेक्शन नंबर वन करते हैं तो मैं सेक्शन वन एक बार आपके सामने बोल रहा हूँ वन आपको बोलता है कि

These are made available for inspection at the registered office during working hours for a period of 21 days before the day of the meeting. But listed company ne whole set of financial statements or audit report ko to registered office ke available kiya and a statement containing the salient features of such documents in the prescribed form is sent to every member. और उन्होंने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें बड़े वाले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत सारे पेजेस में गया देर रन इन टू पेजेस राइट right, बहुत सारे पेजेस के अंदर जाते हैं उनके सेलियंट फीचर्स उसके इंपॉर्टेंट बातें एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में लिखी उस डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो अगर मैं सेक्शन 136 की बात करूं तो 136 क्या कहता था कि वैसे तो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसकी ऑडिट रिपोर्ट को भेजना है बट स्टिल जो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट है उसको उसको रजिस्टर्ड ऑफिस पे भी रख सकती है लिस्टेड कंपनीज और लिस्टेड कंपनीज एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें सेलियंट फीचर्स है यानी एस एस की बात समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको सर्कुलेट करा सकते हैं तो अब बताइए पी क्यू आर एंड कंपनी ने ही ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी जो होल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका ऑडिट किया राइट right? और उसी को बोला गया कि आप एक काम करो ये जो हमने स्टेटमेंट बनाया कंटेनिंग सेलियंट फीचर्स वो तो बोलते हैं लॉ की भाषा में यानी जो हमने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं जो डराइव किए गए हैं जो होल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें से आप उसका भी ऑडिट कर जाइए तो हम क्या करेंगे हम लिस्टेड कंपनी है हम समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इस पर जो आप ऑडिट रिपोर्ट देंगे उसको तो सर्कुलेट करा देंगे सेक्शन 136 ऑफ द कंपनीज एक्ट के हिसाब से और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी होल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कंप्लीट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है डिटेल्ड वाले जिसमें शेड्यूल थ्री की सारी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स एंड एवरीथिंग है उनको और उसकी ऑडिट रिपोर्ट को कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर रख लेंगे ताकि जिसको इंस्पेक्शन के लिए चाहिए हो, वो वहां से देख सके सो आई होप दैट इज क्वाइट ओके अब आप एक तो बातें बहुत ध्यान से समझना इसमें जो शब्द आएगा इसके अंदर शब्द एफआरएफ वाला नहीं आएगा इसमें शब्द क्या आएगा इसमें शब्द आएगा, क्या बनाए बनाए गए है, applied criteria. Summary financial statement कैसे बनाए गए हैं, हैं, पर कैसे देखो एक बात मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, because आप लोग कई बार last moment पे छोटी छोटी चीजें मिक्सअप कर जाते हो 810 में ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी एफ आर एफ के हिसाब से नहीं बनाए जा रहे हैं देखो आपने कितना डिटेल में लॉजिक किया हुआ है इसका अपनी क्लासेस में क्यों नहीं बनाया जा रहा है ये कोई डिफरेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के कंडीशन नहीं है वही जो डिटेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये तो उनका केवल कंडेंस्ड फॉर्म है उनका फॉर्म है उनका समरी है तो उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से ड्राइव करके उनके मेन मेन हेडिंग्स को लिख दिया गया है मेन 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 सब हेड्स बना दिए गए हैं तो किसी क्राइटेरिया किसी बेसिस पे ये समरी बनाए गए हैं सो आठ सौ में वर्ड हमेशा क्या आएगा एस एफ एस बनाए गए हैं एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया जो क्राइटेरिया दिया गया है उसके हिसाब से बनाए गए है, हैं राइट नाउ सबसे पहली बात तो ये कि जब आप ऑडिटर देखेगा तो ऑडिटर क्या क्या ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले तो देखेगा मैं ये काम एक्सेप्ट करूं भी या ना करूं राइट कहीं उन्होंने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ज्यादा ही छोटे नहीं बना दिया नाउ प्लस फॉर्म करेगा अपनी ओपिनियन इन एसएफएस के ऊपर ओपिनियन देने के लिए कॉन्क्लूजन तो वही वाली चेंज चलेगी पहले एविडेंसिस ऑप्टेन करेगा कंक्लूजन फ्रेम करेगा ओपिनियन बनाएगा ओपिनियन को ऑडिट रिपोर्ट और समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सप्रेस करेगा तो एक्सप्रेस करेगा रिटर्न रिपोर्ट के अंदर आई होप क्वाइट ओके नाउ आप एक्सेप्ट कब करोगे? करोगे आप एक्सेप्ट ये एंगेजमेंट ओनली व्हेन ऑडिटर यानी सेम ऑडिटर हैज बीन इंगेज टू कंडक्ट ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ऑल द एस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फ्रॉम व्हिच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर डिराइव्ड आप ही फुल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं और उनसे जो डिराइव होके एसएफएस आए हैं आप ही उनका भी ऑडिट करने के लिए जा रहे हो तो एक तो आपको डिटरमाइन करना है कि अप्लाइड क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है या नहीं किस आधार पे मैं फिर बोल रही हूँ रिपीट कर रही हूं 810 आई एफ आर एफ का जिक्र भी मत करना 810 में वर्ड क्या आता है एस एफ एस कैसे बनाए गए हैं क्या वो अप्लाइड अप्लाइड क्राइटेरिया क्राइटेरिया के हिसाब से सो एक्सेप्टेबल है या नहीं जिस हिसाब से उन्होंने समरी की हुई है सो अप्लाइड क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है या नहीं इसके लिए आप क्या क्या देखते हो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखते हो नेचर ऑफ एंटिटी पर्पज क्या है एस एफ एस का तो वही अगर नेचर ऑफ एंटिटी लिस्टेड है मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ तो लिस्टेड कंपनीज के लिए पर्पज क्या है एस एफ एस का कि वो मेन 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 बातें यूजर्स को पहुंचा सके यूजर को बता सके नीड्स ऑफ यूजर्स एंड क्राइटेरिया मिसलीडिंग तो नहीं है क्राइटेरिया वही है जो कहीं ना कहीं प्रोपरली स्टेब्लिश है Plus, आप ऑप्टेन करेंगे एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट तो आप का एक्नॉलेजमेंट करेंगे कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है फॉर प्रिपरेशन ऑफ दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया तो एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया वो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं एसएफएस एस को बनाने के लिए रजिस्टर्ड ऑफिस में ए एफ एस को वो डॉक्यूमेंट को अवेलेबल करेंगे टू इंक्लूड ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन एस एफ एस इन एनी डॉक्यूमेंट दैट कंटेन सच एटेटमेंट एंड दैट इंडिकेट दट ऑडिटर एज रिपोर्टेड ऑन दैम तो अगर मान लो एनुअल रिपोर्ट में वाली बात लिखी हुई है तो वो उसके अंदर ऑडिट रिपोर्ट भी शामिल करके चलेंगे सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एग्री विथ मैनेजमेंट ऑन फॉर्म ऑफ ओपिनियन सो प्लीज एक बार आप स्क्रीन को रोक करके एक बार यहीं से इसको पढ़ जाइए ये क्वेश्चन बहुत आराम से आ सकता है कि आपको बोला गया आप एस एफ एस के ऊपर रिपोर्ट कीजिए आप इंगेजमेंट को एक्सेप्ट करते वक्त क्या क्या बातों का ख्याल रखेंगे तो एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करते वक्त हम तभी एक्सेप्ट करेंगे पहली बात जब जब आप मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या या जब आप कंप्लीट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है आप उसको भी ऑडिट कर रहे हो आप देखो कि अप्लाइड क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है नहीं इसके लिए आप नेचर ऑफ एंटिटी पर्पस नीड्स ऑफ यूजर और क्राइटेरिया मिसलीडिंग तो नहीं है इस बात को ध्यान रखोगे आप मैनेजमेंट का एग्रीमेंट ऑप्टेन करोगे कि उन्होंने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरस्टैंड कर लिया है प्लस वो वो जो ए है उसको अवेलेबल करा रहे हैं यूजर्स को एंड एंड जिस भी डॉक्यूमेंट में एस एफ एस जा रहे हैं उसके अंदर एस एफ एस पर ऑडिट रिपोर्ट भी जाएगी और आप एग्री कर जाएंगे मैनेजमेंट के साथ कि आप कैसी ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे एंड अगर मान लो अप्लाइड क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल नहीं हो वही बातें वैसी ही है जैसे हम टर्म्स एंड के अंदर करते थे या मैनेजमेंट ने एग्रीमेंट करने से मना कर दिया तो आप उस केस में ये काम एक्सेप्ट नहीं करेंगे आई होप दैट इज क्वाइट ओके चलिए अब जो हमारे पास में आता है हमारा नेचर ऑफ प्रोसीजर क्या होगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप बताओ जो एस एफ एस में अगर एस एफ एस में जो जो भी हेड्स आए हुए हैं एस एफ एस के अंदर फिक्स असर जितनी आई है करंट असर जितनी आई है कैश इन हैंड कितना कितना आया कितना आया बैंक आप उसको क्या दोबारा से ऑडिट करोगे नहीं जो -जो दिखाए थे वही अमाउंट में दिखाया या नहीं। आप ये कि एस एफ एस सही प्रकार से बनाया गया नहीं अप्लाइड क्राइटेरिया लगाया गया है नहीं सो so प्लीज इस बात को ध्यान रखना दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आप प्रोसीजर क्या क्या करेंगे आप एक तो ये देखोगे एस एफ एस के अंदर मैनेजमेंट ने प्रॉपरली डिस्क्लोज किया है या नहीं कि ये समरी है ब्रस्ड आप कह देते हो या ये कंडेंस्ड है प्लस अगर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ भी नहीं दिया है तो एक बात बताओ कहाँ से और किस से ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल होंगे जैसे हमने सेक्शन 136 में अभी करा कि सेक्शन वन थर्टी रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखे जाएंगे ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स रखे जाएंगे नाउ आपको ये देखना है एसएफएस के अंदर क्राइटेरिया किस आधार पे उन्होंने ये समरी बनाई है क्या उसने उन्होंने मेन 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 सारे हेड्स दिया या नहीं वो बताया है नहीं ये कंपेयर करना पड़ेगा कि जो एस एस के अंदर मेन मेन डिस्कलोजर्स आए हैं मेन मेन अमाउंट्स आए हैं वो एग्री कर रहे हैं या नहीं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से AFS से आपको देखना पड़ेगा क्राइटेरिया सही से फॉलो करके बनाया नहीं प्लस आपको देखना पड़ेगा सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो एस एफ एस में आनी थी वो आ गई है या नहीं आ गई है नाउ प्लस आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ए एफ एस को अवेलेबल वो लोग करा रहे हैं या नहीं करा है। Again, रहे हैं अगेन मैं फिर से एक्साम्पल बता रही हूँ वही वन थर्टी सिक्स वाला जैसे अवेलेबल कराने की रिक्वायरमेंट इंडिया में लिस्टेड कंपनीज के लिए वो रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखते हैं राइट नाउ अब जब हमने ये नेचर ऑफ प्रोसीजर्स किया तो आपने कोई दोबारा नए सिरे से आपने चेकिंग नहीं करनी है चेकिंग तो आप ऑलरेडी कर चुके होंगे जब आपने ए एफ एस को ऑडिट किया होगा आपको कंपेयर करना है अप्लाइड क्राइटेरिया का डिस्क्लोजर देखना है उसके अनुसार बनाया है नहीं बनाया है देखना है प्लस आपको सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन दी गई है या नहीं दी गई है और इंटेंडेड यूजर्स को ए एफ एस अवेलेबल कराना है नहीं, ये बात देखनी है एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट मैं एक काम करूं प्लीज थोड़ा सा काम मैं कर रही हूँ देखो ये जो ऑडिटर्स रिपोर्ट है आई हैव स्पेसिफिकली टोल्ड यू कि ये ऑडिटर्स रिपोर्ट को एक बार हम लोगों को यहां से कर लेना बनता है सो आई एम जस्ट डूइंग इट लाइक दिस ठीक है एंड फिर से मैं ये बोल रही हूँ ये मैं आपको 2024 ट्वेंटी एग्जाम्स के लिए करा रहे हूँ जब ये रिपोर्ट रिवाइज हो जाएंगी, मतलब ये जब सीरीज रिवाइज हो जाएगी ईयर 2025 एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए तो हम ये वाली क्लास को रिप्लेस कर देंगे ये हम 2024 के लिए कर रहे हैं ठीक है देखो बिकॉज़ स्टडी मटेरियल में इस पे बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है आपको केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू के लिए भी करके जाना है द एकंपनिंग समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी ये जो एसएफएस है विच इज द समरी बैलेंस शीट तो आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि इसमें समरी बैलेंस शीट है इस तारीख की समरी स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल यानी आपने कॉम्पोनेंट आइडेंटिफाई कर दिया है इससे याद हो जाएगा राइट थे याद हो जाएगा एंड समरी कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर दैन एंडेड एंड रिलेटेड नोट्स और ये कहां से डराए हुए हैं दीज ए एफ एस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी तो आपने कंपनी का नाम बता दिया आपने एस एफ एस बता दिया एस एफ एस के कॉम्पोनेट्स बता दिए उसकी डेट बता दिया ये सब चीज बता दी फॉर द ईयर एंडेड वी एक्सप्रेस्ड एन अनमोडिफाइड ऑडिट ओपिनियन ऑन दोस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ऑडिटेड ओपिनियन दी थी यानी आपने ओपिनियन का टाइप ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बता दी दिया आपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिन सी बने हैं उनकी ऑडिट रिपोर्ट की डेट बता दिया राइट right? सो so, आपने ये सब चीजें आइडेंटिफाई कर दिया अब ये थेरी में याद हो जाएगा दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वो जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एंड समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट बात डू नॉट रिफ्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ events that अकर्ड subsequent टू द डेट ऑफ आर्ट रिपोर्ट ऑन those financial स्टेटमेंट हमने अपनी ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक काम किया था हमारी ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद में अगर कुछ चीज हुई है

ये मैं इसीलिए लास्ट मिनट रिवीजन पे करा रही हूं अगर इसके ऊपर केस स्टडी बन के आ गया तो एमसीक्यू के अंदर राइट right? 810 के हिसाब केस आपसे सो so, जब एसएफएस की ऑडिट रिपोर्ट जाएगी तो उसमें सारे एस का जिक्र ही नहीं है बिकॉज 810 के अनुसार आप सिर्फ यही वाला स्टैंडर्ड लगा रहे हो राइट ओपिनियन हमारी ओपिनियन के हिसाब से इसके अंदर कोई ओपिनियन के अंदर कुछ और चीज नहीं जाएगी सिर्फ ये जाएगा कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो डिराइव किए गए हैं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से दीजा फेयर समरी इसमें वही बातें लिखी हुई हैं जो कि ए में दी गई थी और बस नेम प्लेस सिग्नेचर ये सब चीजें तो जाएंगी ही जाएंगी अब आप मेरे को एक बात बताओ ये थेरी आपका तैयार हो गया टाइटल चला गया ये रिपोर्ट है इंडिपेंडेंट ऑडिटर की एड्रेस ही चला गया जिसको आपने एड्रेस किया इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आपने आइडेंटिफाई किया समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपने ये भी कहा कि ये समराइज कहां से किए गए हैं हैव बीन ये कहाँ से डिराइव किए गए फ्रॉम द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने अपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट को भी बता दिया अगर दोबारा से देखना है तो प्लीज मैंने आपको अभी रिपोर्ट कराया है आपने ऑडिटर्स रिपोर्ट भी बता दिया नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपने ये बात जरूर लिखनी है इसके ऊपर स्टडी मटेरियल में नए स्टडी मटेरियल के चैप्टर एट के अंदर क्वेश्चन बना हुआ है आपने ये भी बोल दिया कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर नहीं रिफ्लेक्ट हो इफेक्ट ऑफ इवेंट जो हमारी ऑडिट रिपोर्ट जो हमने ए पे दी थी अगर हमने पंद्रह मई को अपनी ऑडिट रिपोर्ट ए पर दे दी थी उसके बाद में अगर कोई घटना आई राइट आपने स्टेटमेंट दे दिया कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है सारे डिस्क्लोजर और इसीलिए SFS को पढ़ना इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट कि आप AFS को पढ़ रहे हैं आपने मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी प्रिपरेशन एज पर एप्लीकेबल क्राइटेरिया अप्लाइड क्राइटेरिया आपने ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी बता दी कि मैंने ओपिनियन दिया है हिस्से के हिसाब से काम करके आपने अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस किया बट ओपिनियन एक्सप्रेस करने में आप क्या बोल रहे हो कि दिस समरी 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 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये ये जो मैंने ऑडिट किया है दीज ये है आर द फेयर फेयर राइट आपको इसके अंदर ध्यान दो आप इसमें कोई ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं ऐसी कोई बातें नहीं लिख रहे हो सो so, आपकी ओपिनियन क्या है कि क्या ये फेयर समरी है या नहीं आपका सिग्नेचर एफ आर एन मेंबरशिप नंबर डेट प्लेस सब जाएगा और आज के दिन ई एन यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर तो जाता ही जाता है ये तो हम करते ही चले आ रहे हैं चलिए अब एक इंपॉर्टेंट बात राइट इसके ऊपर आपसे केस स्टडी आ सकती है इस पर भी आ सकती है अगर ऑडिट रिपोर्ट ऑन ए एफ एस में मेन वालों में या तो क्वालिफाइड ओपिनियन गई है या ई एम गया या ओ एम गया है राइट right, क्वालिफाइड देखो यानी मामला परवेसिव तो नहीं था अगर क्वालिफाइड ओपिनियन गया ईओ एम गया है इन्फेसिस ऑफ मैटर गया है राइट right, या अदर मैटर सेक्शन गया है सात सौ के हिसाब से जो हमने सात सौ में किया हुआ है राइट right, तो ऑडिट रिपोर्ट जब हम एस एफ एस की बनाएंगे उसमें हम ये बात और लिखेंगे कि ऑडिट रिपोर्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट ऑन ए एफ एस लिख देते हैं ऑन क्वालिफाइड या OM, कि एक ऑडिट रिपोर्ट दी हुई है पंद्रह मई को ए एफ एस के ऊपर तो हम ये लिख देंगे कि उस रिपोर्ट के अंदर क्वालिफाइड ओपिनियन या, या गया है, और अगर क्वालिफाइड गई थी तो बेसिस व क्वालिफाइड ओपिनियन डिस्क्राइब कर देंगे जिसमें हमने रीजन बताया होगा और ये जो सेक्शन गया हुआ है ये वाली बात बता देंगे और इसका इफेक्ट अगर पे कुछ पड़ रहा है तो ये बता देंगे जैसे फॉर फॉर मान 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 लो मान करके चलते हैं हैं से example, जो ऑडिट रिपोर्ट पे गई है उसके अंदर मान लेते में किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट की गड़बड़ थी तो जब फिक्स सेट का वो अमाउंट एस एफ एस के अंदर कॉपी किया होगा बस यहाँ पे डिटेल डिस्क्लोजर नहीं होगा बट जब कॉपी किया होगा तो वो भी गलत आ रहा होगा तो आपको क्या लिखना है देखो AFS में से बना है एस एफ एस राइट तो आपको जो ऑडिट रिपोर्ट एस एफ एस पर देनी बेसिस तो भी बता देना है यह है और इसका इफेक्ट एस एफ एस पर क्या पड़ रहा है तो इफेक्ट क्या पड़ रहा है कि एस एफ एस में आया हुआ ये अमाउंट गलत है एक्चुअली फेयर समड़ी तो है समड़ी तो ठीक ही है बट स्टिल वो अमाउंट गलत है बट

कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फेयर समरी तो यूजर चक्कर खा जाएगा तो आपको क्या चीज बोलनी आपको बोलना है कि ऑडिट रिपोर्ट कंटेन करिए ऑडिट रिपोर्ट जो ए पर है उसके अंदर एडवर्स या डिस्क्लेमर है आपको बेसिस बताना है कि ऐसा क्यों है क्या मामला परवेसिव था और साथ में बोल देना है इसीलिए एस पे ओपिनियन देना सही नहीं लग रहा है That is why it is inappropriate to express opinion on SFS. So please ये दो जो conclusions हैं दोनों conclusions बहुत ज्यादा important हैं इनको हमने तैयार करके चलना ही चलना है अभी यहाँ से ऐसा summary नहीं अब आप मेरे को बताओ एक minute लगा करके अगर आपको दिक्कत नहीं हो so just last में ओवा व्यू अब बताओ एक तो applied criteria वाली बात तो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिस्टोरिकल है जो डिराइव किए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डिटेल वाले से बट वो लेस डिटेल अप्लाइड क्राइटेरिया प्रिपरेशन के अंदर ये केवल तब लगेगा जब सेम ऑडिटर होगा सेम ऑडिटर होगा नाउ प्लस ंगेजमेंट एक्सेप्टेंस दैट वॉज इम्पॉर्टेंट आपने कर लिया नेचर नीड्स ऑफ इंटेंडेड यूजर एंड लाइक क्राइटेरिया मिसलीडिंग तो नहीं है आपने मैनेजमेंट का एग्रीमेंट ऑप्टेन कर लिया और अगर अनएक्सेबल या अनेबल है तो आप ये काम नहीं करोगे नेचर ऑफ प्रोसीजर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आई हैव टोल्ड यू यहाँ पे आपको नए सिरे से कोई इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन नहीं करना है आपको कंपेरिजन करने आपको अपलाइड क्राइटेरिया और ये चीज देखनी है अनमोडिफाइड ओपिनियन की वर्डिंग्स क्या होती है या तो एस एफ एस आर कंसिस्टेंट विद ए एफ एस या एस एफ एस ऑफ फेयर समरी और हमेशा किसके अनुसार अप्लाइड क्राइटेरिया के अनुसार Now, आपको सबसिक्वेंट इवेंट के अंदर ये वाली बात लिख देनी है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कि हमारी जो ऑडिट रिपोर्ट और नीएफ उसके बाद की चीजों को नहीं यू you नो know, नहीं आ, इसके अंदर शामिल किया गया है और ऑडिटर्स रिपोर्ट को तैयार करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो बढ़िया तरीका मैंने आपको बता दिया है कि दैट इज हम ये करके जाए और इसीलिए मैंने इसका आपको एक बार रिविजन करा दिया है ठीक है अब इसके अलावा ये जो दो तीन चीजें हैं रिस्ट्रिक्शन तो अलर्ट करना है यूजर्स को कंपेरेटिव हैं तो कंपेरेटिव भी आपको देख लेने हैं प्लस अदर इंफॉर्मेशन इन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग एस एफ एस देखो ये ऐसे अपने आप में कंप्लीट है ऐसे आठ लगेगा तो सिर्फ 810 लगेगा तो उसने हर चीज इसके अंदर 810 में दी हुई 810 इज अ लेंदी वन तो अगर अदर इंफॉर्मेशन है तो आप अदर इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे उस तरह की बात है जैसी की बात हम 720 में पढ़ते हैं आप उसको पढ़ेंगे आप मटेरियल इनकंसिस्टेंसी देखेंगे इसका जिक्र भी इसी हिस्से में खत्म किया गया है और ऑडिटर का एसोसिएशन वाली बात भी तो यू कैन जस्ट गो थ्रू एक बार स्क्रीन को रोक करके यहीं पर नहीं तो फिर वो मेन मेन चीज जो है वो आप भूल जाएंगे क्या ठीक है ऑडिटर ने वो डॉक्यूमेंट कंटेनिंग के अंदर क्या चीज किया है इसको एक बार आप और देख सकते हैं बट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग प्लीज 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 ये वाला जो मैटर है जिसमें से खास तौर पे मैंने जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखी हैं उनको तो ज्यादा करके ही जाना है सो so, एक बार मैं आपको फिर से बोल रहा हूं आपका चैप्टर नंबर एट जो है इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का न्यूली इंक्लूडेड इन न्यू सीरीज ये केवल 2024 एग्जाम्स की मैं बात कर रही हूँ जब तक वो आर्ट्स की रिवाइज सीरीज को नहीं एप्लीकेबल कर रहा है राइट right? केवल ये वाला जब वो एप्लीकेबल करेंगे हम इसको रिप्लेस कर देंगे हम 2025 के अंदर उन्होंने रिवाइज लगा दिया हम उसी को कराएंगे बट इतने आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और जो हमने क्वेश्चन आंसर्स किया हुए इसके स्टडी मटेरियल में भी जो नए वाले हैं उसको भी एक बार कर जाइए स्क्रीन रोक कर अभी इसको पढ़ लीजिए ये तैयार हो जाएगा ऑल द बेस्ट ओके थैंक यू